डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू स्टार्ट एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट बिजनेस। बहुत सारे लोगों को पता है ना कि एग्री में कितना बड़ा स्कोप है और हम कितने आगे जा सकते हैं। सो दिस देर आर लॉट ऑफ स्कोप एक्चुअली इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। वाई? क्योंकि मार्केट इतना बड़ा है, लोगों की डिमांड उतनी बड़ी है और किसी भी कंट्री में जाओ उसकी ज़रूरत है ही है, बिकॉज फूड तो सबके लिए लगना रहा है। और दूसरी है ना, इट इज़ अ बेसिक नेसेसिटी ऑफ एवरी मार्केट एंड एवरी पर्सन। सो यस, मैं कहूँगी कि एग्रीकल्चर इज हैविंग द वाइड स्कोप एक्चुअली। और उससे भी आगे जाके देखा जाए, इंडिया मतलब फॉर्चुनेट इनफ कि हम एग्रीकल्चर कंट्री है। हमारे यहाँ पे सीजन वाइज देखो, स्टेट वाइज देखो, देर आर लॉट ऑफ वराइटी ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स वी आर एक्चुअली प्रोड्यूसिंग फ्रॉम अवर लैंड। सो यस, डेफिनेटली द स्कोप इज देयर। सो अगर आप सच में चाहते हो कि आपको एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में आना है, सो व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स नीडेड फॉर द टू स्टार्ट द एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट बिजनेस, एंड अगर आपको एक्सपोर्ट भी करना है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। सो अभी सबको ये पता होगा कि अगर आपको एक्सपोर्टर बनना है तो आपको कौन कौन से बेसिक डॉक्यूमेंट्स निकालने पड़ते हैं। और इन दैट देर आर लाइक, मैं कहूँगी फर्स्ट इज कंपनी फॉर्मेशन आपको मैंडेटरी होता है। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट कि आपको कंपनी फॉर्म करनी पड़ेगी। अभी नाउ कंपनी फॉर्मेशन के बहुत सारे तरीके हैं। सो देर आर प्रोप्राइटरशिप कंपनी, पार्टनरशिप कंपनी, LLP होता है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप होती है, एंड द लाइक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है। अभी ये आपके ऊपर डिपेंड है क्योंकि हर कंपनी के टाइप के खुद के प्लस एंड माइनस है, तो आपको वो चेक करना पड़ेगा कि कौन से प्लस माइनस आपके साथ मैचअप हो रहे हैं, एंड जस्ट गो दैट। इनिशियली अगर मैं कहूँ तो यस, डेफिनेटली यू कैन स्टार्ट विद द बिजनेस बींग अ प्रोप्राइटर ऑल्सो, या फिर अगर आप थोड़ा लॉन्ग टर्म की सोच रहे हो तो LLP के साथ भी जा सकते हो। सो दिस इज वन पार्ट। ओके, द सेकंड, लाइक चलो हमने कंपनी ओपन की, अभी कंपनी के आगे जाके अगर हमें पैन कार्ड निकालना पड़ेगा, सो दिस इज द सेकंड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। पैन कार्ड हमने निकाल दिया, देन द थर्ड इज करंट अकाउंट। आपको बैंक में जाके करंट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। अब ये कौन से बैंक में करूँ, बहुत सारे लोगों को ये भी क्वेश्चंस होते हैं। इन ब्रीफ अगर मैं कहूँ तो यस, यू कैन ओपन द करंट अकाउंट इन द नेशनलाइज बैंक, एंड प्लस यू कैन ओपन द करंट अकाउंट इन द प्राइवेट बैंक ऑल्सो। सो आइदर और दोनों भी चल सकते, डिपेंड कि विच बैंक के साथ आपके बिजनेस बैंकिंग रिलेशनशिप कैसे है। सो दिस इज वन ऑफ दैट। ओके, उसके बाद आता है लाइक करंट अकाउंट भी हमने निकाला, देन द IEC इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड। आपको एक्सपोर्ट करना हो, इट इज़ नॉट अबाउट द एग्रीकल्चर ओनली। लाइक यू कैन, मैं कहूँगी कि अगर आप कौन से भी प्रोडक्ट में एक्सपोर्ट करो, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड इज मैंडेटरी लाइसेंस यू शुड हैव। और ये लाइसेंस सबके लिए मैंडेटरी किया है। अगर आपको इंडिया से एक्सपोर्ट भी करना हो या फिर इम्पोर्ट भी करना हो, ये लाइसेंस आपके लिए चाहिए चाहिए। फिर वो देता कौन है, तो DGFT इशू करके देता है। सो DGFT की जो वेबसाइट है, आप वहाँ पर जाओ और वहाँ पर उन्होंने सारी प्रोसीजर दी है हाउ टू इशू IEC, उसके लिए क्या लगता है, क्या नहीं लगता, डॉक्यूमेंट्स कौन से लगते हैं, वो सारे वहाँ पे उन्होंने दिए हैं। सो जस्ट गो टू द DGFT वेबसाइट। ओके, DGFT के बाद आता है कि IEC तो हमने निकाली, अभी आगे जाके आपको RCMC निकालनी पड़ेगी। सो RCMC का मतलब होता है रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट। अभी ये सर्टिफिकेट कौन देगा आपको, तो अगर हम एग्रीकल्चर की बात कर रहे तो APEDA इज द एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर प्रोसेस फूड और डेयरी हनी पोल्ट्री फ्लोरिकल्चर के लिए। तो आपको APEDA का मेंबर बनना है। सो APEDA मतलब क्या करेगा कि लाइक मैं कहूँगी APEDA इज वन ऑफ द बॉडी कि वो आपको वो सर्टिफिकेट इशू करके देगी। और जब भी आप उसके मेंबर बनोगे तो जो भी आपको सर्टिफिकेट मिलता है उसको कहा जाता है RCMC। अभी इसका फ़ायदा बहुत है क्योंकि अगर आप आगे चल के अगर APEDA का मेंबर बनते हो तो APEDA का काम ही क्या है, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है। इसका मतलब वो जो काउंसिल है वो एक्सपोर्ट को प्रमोट करने का काम करता है और आपका काम है एक्सपोर्ट को प्रमोट करना है। सो जस्ट बी कनेक्ट विद देम, बी अ मेंबर ऑफ देम, एंड यस डेफिनेटली यू विल गो अहेड। अभी मेरे पास RCMC आया, द नेक्स्ट डॉक्यूमेंट इज AD कोड लगता है आपको, ऑथोराइज डीलर कोड लगेगा। अभी वो ऑथोराइज डीलर कोड आपको कौन देगा, तो बैंक देती है, लेकिन बैंक हर बैंक नहीं देती, बैंक की जो ओवरसीज ब्रांच होती है वो आपको AD कोड देती है। तो आपके पास लॉजिस्टिक ने दिया होगा, आपको फॉर्मेट मिलेगा और वो फॉर्मेट लेके आप बैंक के पास जाओ और बैंक विल इशू देयर लेटर हेड, तो वो लेटर हेड के ऊपर आपको मिलेगा। ओके, उसके बाद आता है कि ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपको पोर्ट पे रजिस्टर करने पड़ते हैं। नाउ द प्रोसीजर, पहले मैनुअल था, अभी सारा ऑनलाइन हुआ है। आपको IceGate पोर्टल पे जाके आपका पोर्ट रजिस्ट्रेशन करना है। सो दिस इज वन ऑफ द प्रोसीजर। अभी यहाँ तक हमने काम किया, पोर्ट रजिस्ट्रेशन तक सारे प्रोसीजर हो गए, एंड दिस इज द नॉर्मल बेसिक डॉक्यूमेंट्स टू स्टार्ट एनी कंपनी। आपको इतने सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। अभी उसके बाद अगर मैं कहूँ कि चलो मुझे अभी एग्रीकल्चर में ही एक्सपोर्ट करना है, तो मैंने ओनियन लिया, लेमन और चिली लिया, ड्रमस्टिक लिया, या फिर पोमोग्रेनेट लिया, या ग्रेप्स लिया, कुछ भी प्रोडक्ट हो आपका इन द एग्रीकल्चर, इफ यू वांट टू स्टार्ट एक्सपोर्ट, विच इज़ लाइक आई एम टेलिंग यू पेरिशेबल प्रोडक्ट्स एंड द फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स,
सो ओके, सिर्फ फ्रेश की बात कर रहे हैं हम, दूसरे प्रोडक्ट्स की नहीं बात कर रहे। तो अगर आपको ये एक्सपोर्ट करना हो तो शिपिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ जो इनवॉइस पैकिंग लिस्ट लगता है या फिर शिपिंग बिल आएगा, बिल ऑफ लैडिंग आएगा, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन आएगा, उसके साथ साथ आपको एक डॉक्यूमेंट मैंडेटरी आता है एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट के लिए, और वो आप किसी भी कंट्री को भेजो तो भी दैट इज मैंडेटरी, एंड दैट इज फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट। अभी ये जो फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट है वो आपको प्लांट क्वारंटाइन अथॉरिटी ऑफ इंडिया देती है, लेकिन वो आपने ही करने की जरूरत नहीं होती, जो भी आपका लॉजिस्टिक पार्टनर होता है वो ये काम आपके लिए करता है। सो आपको जो भी है गुड्स पैकेट के भेजने हैं, सैंपल विल बी टेकन फ्रॉम दैट, और वो टेस्ट किए जाते हैं प्लांट क्वारंटाइन अथॉरिटी के हिसाब से। लैब में टेस्टिंग होने के बाद जो भी कुछ उनका क्राइटेरिया होगा वो फॉलो होता है, एंड दे विल गिव यू द फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट। अभी ये जो फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट है, अगर आप एग्रीकल्चर में एक्सपोर्ट कर रहे हो तो फाइटोसैनिटरी इज अ मैंडेटरी सर्टिफिकेट, वो आपको लगेगा ही लगेगा। किसी भी कंट्री को गुड्स भेजो लेकिन फाइटोसैनिटरी मैंडेटरी होता है। तो दिस इज द बेसिक डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट। लेकिन अगर आप कंट्री बदलते हो, लाइक अगर मैंने दुबई को भेजा तो भी मुझे फाइटो तो लगने वाला ही है, यूरोप में भेजती हूँ तो भी मुझे फाइटो लगने वाला है, लेकिन फाइटो के अलावा दुबई को ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अगर यूरोप को भेजते हो तो शायद आपको गैप सर्टिफिकेट लगेगा, आपको एग्मार सर्टिफिकेट लगेगा, और ऐसे बहुत सारे सर्टिफिकेट है जो शायद डेवलप कंट्री मांगता है। तो आपको वो बायर के साथ भी कंफर्म करना पड़ेगा, और दूसरा प्रोडक्ट का स्टडी करके मार्केट के हिसाब से भी वो सर्टिफिकेट चेक करने पड़ेंगे। सो दीज आर द बेसिक डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू स्टार्ट एनी एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बिजनेस। सो देर आर बेसिक हमने निकाले। जब भी आप शिपमेंट करोगे तो फाइटोसैनिटरी ये कंपलसरी निकालना पड़ेगा विद द अदर शिपिंग डॉक्यूमेंट्स जो आपको पता है ऑलरेडी, राइट। सो मैं कहूँगी बस इसी इन्फॉर्मेशन से आगे चलो, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करते रहो। देर आर लॉट पॉसिबिलिटीज इन दिस सेक्टर, स्कोप इज देयर, अपॉर्चुनिटीज आर देयर, बस आपको क्लैरिटी लेने की जरूरत है। एंड यस, इफ यू हैव द क्लैरिटी डेफिनेटली द सक्सेस इज देयर। फॉलो ग्लोबल फॉर्चून, फॉलो केडी सुषमा। यस, कमेंट इन द कमेंट बॉक्स अभी, और से कौन से वीडियो आपको चाहिए या फिर कौन से टॉपिक के ऊपर आपको मतलब ज़्यादा जानकारी चाहिए। यस डेफिनेटली आई विल मेक द वीडियो ऑन दैट। So comment in the comment box, have you like this video, share it, like it and subscribe this channel also for the more videos and for WordPress. And don't forget to attend the Global Fortune Exim Summit, which is happening on 11th of September 2022 on Sunday. It is in Pune and this is the physical event is going on. Lot of speakers we are inviting, lot of people from India, they are coming there. So networking, sharing and connections are already there. So just be together and yes, we will start our export-import journey. So take action.